फ्रेंड्स, मोनिका मेकओवर गैलरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए किचन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं किचन का अलमीरा कैबिनेट, जो कैबिनेट अलमीरा है, उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ विदाउट एनी ऑर्गेनाइज़र। तो इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, इस समय आप देख रहे हैं कि ये जो अलमीरा है चार पार्टों में डिवाइड की गई है, और ये वुडन की घर में ही बनाई गई है। ये मेरे मायके में मेरे किचन का है ये सेटअप। मैं घर गई आई हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूं, और थोड़ा अपनी मदर का हेल्प भी हो जाएगा। तो मैं इसी को ऑर्गेनाइज़ आज करने वाली हूं। इस समय सामान इसमें थोड़े से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं है, क्योंकि किचन में क्या होता है, हमेशा हम लोग काम करते रहते हैं तो सामान इधर से उधर होते रहते हैं। तो आज मैं इसी वीडियो के थ्रू आपको एक विदाउट ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करते हुए कैसे मैं एक प्रॉपर तौर पर अलमीरे को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिलता है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको कुछ कमेंट बताना है, करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलमीरा वुडन की बनी हुई है, और इसमें जो है आपका कोटेड पिंक कलर का जो सेरेमिक शीट्स होते हैं वो आपके लगाए गए हैं इसमें। तो इस तरह से ये शेल्फ देखिए अभी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वीडियो को देर किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ।
ये कुछ मैंने कंटेनर फ्लिपकार्ट से परचेज़ किए हैं, और ये आपका जो है फाइबर मटेरियल में है और एयर टाइट कंटेनर है, ब्लैक कलर का इसका लिड बना हुआ है फ्रेंड्स, और ये और भी कलर में अवेलेबल है, और देख रहे होंगे आप शाइनिंग भी इसमें है, और ये जो है आपका 5000 ml का है, अनब्रेकेबल है, मेड इन इंडिया है, और इसका जो एक छोटा कंटेनर भी आप देख रहे होंगे साइड में है। मैंने कुछ ये दाल वाल के लिए रखने के लिए परचेज़ किया, ये मसालों के लिए मैंने परचेज़ किया है, और बहुत ही अच्छा ड्यूरेबल है, और ये 500 ml के उसमें ये अवेलेबल है, मेड इन इंडिया ये भी है, अनब्रेकेबल है, बहुत ही अच्छा ये फाइबर प्लास्टिक मटीरियल फाइबर मटीरियल में यूज़ किया गया है। तो इसी में मैं थोड़े कुछ ऑर्गेना ये कंटेनर नए कंटेनर ली हूँ जिसमें मैं कुछ सामानों को रखूँगी। फ्रेंड्स ये है अलमीरा का फाइनल लुक, जिसको मैं पूरी तरह से इस कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हूँ, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस समय ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, मैंने पूरा कर दिया है, काफ़ी टाइम मुझे लगा, और आपको पहला जो मैं ये है आपका दिखाने जा रही हूँ, पहला जो रैक है, पहला कंपार्टमेंट जो है, तो ये भी चार उसमें है। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में मैंने जो है चीनी, चाय पत्ती और नमक इस तरह की चीज़ों को रखा है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और दूसरे शेल्फ़ में मैं यहाँ पे दालें रखी हुई हूँ, हर तरह के दालों को मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, अरहर, चना और आपका मूंग हो गया, मसूर हो गया, सारी दालों को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, और बड़े कंटेनर रखे हैं क्योंकि हम लोग हमेशा दाल जो है ये सब करते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा कंटेनर ये है, यहाँ पर मैंने खड़े मसालों को रखा है, और यहाँ पे मैंने इस तरह के 500 ml के कंटेनर को यूज़ किया है, तो आप देख रहे होंगे कि बड़ी इलायची हो गया और आपका काली मिर्च हो गया, यहाँ पे आपका पीला सरसों और काला सरसों मैंने यहाँ पे इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कंटेनर में मैंने यहाँ पे पचफोड़न और जीरे को रखा है, बेसन हो गया, तेज पत्ता हो गया,
और आपका लाल मिर्च हो गई, ये सबको मैंने यहाँ पे इस तरह से इस शेल्फ पे मैंने थर्ड शेल्फ पे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ऊपर का जो लास्ट चौथा शेल्फ है यहाँ पे मैंने ये देखिए रबर बैंड जो ऐसे फैले रहते हैं उनको एक कंटेनर में कर दिया है। ये है देसी घी का कंटेनर, मैंने एक जगह रख दिया है। मतलब जो रोज़ यूज़ होने वाले सामान है उनको सबसे पहले मैंने प्रिफर किया है, उनको यहाँ पहले उसमें अपार्टमेंट में मैंने रखा है। और पीछे देखिए जो पैकेट्स को सील करने वाले जो क्लिप्स होते हैं उसको रखा है। और अचार हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, यहाँ पे मेरी मदर एनशोस लेती हैं दूध में, तो वो भी मैंने यहाँ पे पहले रखा है कि ताकि ढूंढना ना पड़े और उनको आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ यहाँ पे ये वाला पहला कंपार्टमेंट मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। दूसरा शेल्फ फ्रेंड्स ये मैं ओपन कर रही हूँ और ये भी चार कंपार्टमेंट में आपके चार उसमें शेल्फ में डिवाइड है दूसरा कंपार्टमेंट जो है। और सबसे नीचे जो मैंने यहाँ पे ट्रे और चॉपिंग बोर्ड और मैंने ये आपका रोटी का रखा है कंटेनर यूज़ करने के लिए। और ये थोड़े से मसा कलर वाले कलर हैं जो कि हम लोग फूड कलर यूज़ करते हैं। ये देखिए येलो कलर का, लेमन येलो, रेड कलर, उसको एक मैंने इस तरह के ढक्कन में रखा है ताकि वो कलर्स फैले ना। दूसरे शेल्फ में जो मैंने रखा है ये है सारे पिसे हुए मसाले। ये देखिए जो आपके ये आपका इलायची हो गया है और ये आपके दालचीनी है, आपका लौंग हो गया है, मतलब सारे मसाले मैंने यहाँ पे इस शेल्फ में ऑर्गेनाइज़ किया है। मैगरेल हो गया और आपका ये पूरे पाउडर जितने भी आपका है, नमक हो गया, सेंधा नमक, ये सब सब चीज़ मैंने इस यहाँ पे इस शेल्फ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है कि कहीं ढूंढना ना पड़े, एक जगह पे ये सारे मिल जाए। मेथी दाना हो गया, और देखिए डिफरेंट मैं कंटेनर्स को उठा के दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से अब एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ रहता है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से आपको हर सामान यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने ये देखिए ये सारे जो जीरा पाउडर हो गए, सब ये सारा सारा डिफरेंट डिफरेंट खाने में डालने वाला सुगंधित जो आइटम है सब इसमें मैंने शेल्फ में ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। और तीसरे शेल्फ में आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, एक साइड में पूरे काजू हो गया और बादाम हो गया आपका, ये मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और पीछे भी आपके सब सारे ड्राई फ्रूट्स ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ताकि जो बड़े जो कंटेनर है इसमें मैंने ये सब रखे हैं, क्योंकि ये सब आधा आधा किलो में ही आपको मिलते हैं इसलिए बड़े कंटेनर का यूज़ किया है। एक किचन में प्रॉपर कंटेनर में सामानों को रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देख रहे हैं आप मैदा हो गया है और मेथी के जो पीसे मेथी रहता है तो वो बहुत ही यूज़फुल होता है सुबह खाने में, तो वो भी मैंने यहाँ रखा हुआ है। ऊपर के साइड में मैंने बिस्किट्स और नमकीन के पैकेट्स को रखा है, पहले ही इस तरह से फैले हुए थे तो मैंने कंटेनर में कोशिश करी कि जो खाली कंटेनर उसमें रख दूं अच्छे से। और ये देखिए बिस्किट्स सारे जो बिस्किट्स खुल जाते हैं ओपन हो जाते हैं उनको इस तरह से मैंने एक कंटेनर में रख दिया है। और ये जो नमकीन्स है इसको भी मैंने इस तरह के एक कंटेनर में रख दिया है। और जो कि टिफ़िन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, खाली का टिफ़िन है, कोई भी कंटेनर खाली है तो उसमें आप इस तरह से बिस्किट नमकीन के पैकेट्स जो कि बार बार खुलते और वो होते हैं तो आप रख सकते हो। और ये मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पे ये मैगी का पैकेट रखा हुआ है, पापड़ हो गया, पीछे देसी घी का एक डब्बा रखा है, बिस्किट्स मैंने यहाँ पे ये रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसको इन चारों शेल्फ को बहुत ही प्रॉपर तौर पर मैंने ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। थर्ड कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में नीचे मैंने सारे के सारे आपके फाइबर के जो कटोरीज होते हैं उनको रखा हुआ है जो कि जब गेस्ट आते हैं तो उनको देने में आसानी हो तो जल्दी से हमको किचन में जाके कर सकते हैं। दूसरे शेल्फ पे मैंने इस तरह से थोड़ा डेकोर की ये किया है आपका जो क्रॉकरीज है ये और मग कुछ रखे हुए हैं इनको थोड़ा डेकोर कर दिया। यहाँ पे मैंने सारे बोरोसिल के जितने भी आपके
माइक्रोवेव में यूज़ होने वाले आइटम है उसको मैंने रखा है। आपका ये पानी का जग हो गया जो कि आपका शीशे का कांच का है। ये देखिए सारे बोरोसिल के जितने भी कंटेनर हैं, तो बेकिंग के जितने भी पार्ट हैं ये मैंने यहाँ पे रखा है थर्ड वाले पे, और फोर्थ पे जो अपर पार्ट पे मैंने सारे चॉपिंग के सारे बोर्ड्स रखे हैं, चॉपिंग का जितना कंटेनर है तो वो रखा है। और ये भी माइक्रोवेव का सामान है, ये भी मैंने यहाँ पे ही ऊपर रखा है ताकि एक जगह पे मिल जाए। तो चॉपिंग जो यूज़ करते हैं कोई भी चॉप करने के लिए, तो ये दोनों ग्रीन और रेड कलर का रखा हुआ है चॉपिंग पूरा। नेक्स्ट जो लास्ट कंपार्टमेंट है फ्रेंड्स, उसमें नीचे मैंने ये स्टील्स केस में स्पेशली मैंने सब सामानों को रखा है। तो सबसे नीचे मैंने यहाँ पे जो टिफ़िन होते हैं स्टील का वो रखा है, और ये जो आपका सर्विंग के जो बोल्स होते हैं स्टील के वो मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है पूरा, तीनों आपके सर्विंग बोल्स हैं। और पीछे मैंने फ्राइंग सॉस पैन रखा हुआ है, तो जो कि किचन में हमेशा यूज़फुल होता है, बाहर जब भी ज़रूरत हो तुरंत मिल जाए, तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर नीचे के शेल्फ में रखा है। और आप देख रहे होंगे कि सेकंड शेल्फ़ की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो सेकंड शेल्फ़ में जो मैंने यहाँ पे आपके जो ग्लासेस हैं उसको मैंने रखा हुआ है, जब भी कोई गेस्ट आता है तो ये ग्लासेस का यूज़ होता है, तो इस तरह से ये घूम जाते हैं, देखिए ये अच्छा सा, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा है। कुछ मैंने यहाँ पे मिल्टन के जग्स को भी रखा है। थर्ड कंपार्टमेंट मैंने यहाँ पे आपका स्टील के ही सारे कटोरियाँ ग्लासेस हो गया है, और कुटनी जो होती है, और देसी घी रखने का बर्तन है, और पीछे मैंने मिक्सी के भी जार को रखे हुए हैं। तो इस तरह से इसको अंदर रखा है क्योंकि अंदर कैबिनेट में रहता है तो सब क्लीन रहता है, साफ़ रहता है, धूल नहीं जमता है। और जो ऊपर का कंपार्टमेंट मैंने सारे टिफ़िन रखे हैं।